वेलकम बैक लर्नर्स, आज फिर से हम वेदमी के यूट्यूब चैनल पे एक और नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि रिलेट करता है CSIR के यूनिट 9 बायोडाइवर्सिटी से। तो आज का जो टॉपिक है वो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल से रिलेटेड है। बाकी कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स में हम पहले रेड डेटा बुक देख चुके हैं कि रेड डेटा बुक के क्राइटेरिया क्या हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल होने के। उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन से एनिमल्स जो हैं वो फॉसिल की कैटेगरी में आते हैं, कौन से लिविंग फॉसिल की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा हमने ये देखा कि कौन कौन से एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, फिश हैं, रेप्टिलियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, जो एंडेंजर्ड या क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ रहे हैं। इसके अलावा हमने इंडियन स्पीशीज भी देखे एनिमल्स के जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड या वल्नरेबल की कैटेगरी में आते हैं। तो ये सारी लिस्ट जो है वो आपको मिल चुकी हैं और फटाफट आपको एक ही काम करना है कि उनको याद करना है। इसके बाद जो सेक्शन एफ है उसमें एक और टॉपिक आता है, वो होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायो रिजर्व्स का। तो अभी कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में जो आज हम टॉपिक कवर करेंगे उसमें यही होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायो रिजर्व्स क्या होते हैं ये। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होते हैं। तो जब भी हम कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, यानी बायोडाइवर्सिटी में क्या आ जाते हैं, हमारे फ्लोरा एंड फाउना। फ्लोरा एंड फाउना से मतलब है हमारे प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज डाइवर्सिटी, प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज की डाइवर्सिटी। तो हम इनको कंजर्व कैसे करते हैं, जो भी एंडेंजर्ड या डेंजर्ड की कैटेगरी में जा चुके हैं, एंडेंजर्ड या फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में जा चुके हैं, उनको हमें करना होता है कंजर्व। क्यों? ताकि वो एक्सटिंक्ट नहीं हो जाए। तो कंजर्व करने की दो तरीके होते हैं, इन सीचू कन्वर्जेशन एंड एक्सीचू कंजर्वेशन। इन सीचू कंजर्वेशन का मतलब होता है कि उनको उनकी जगह पे ही रखा जाए, उनके वाइल्ड लाइफ में ही रख के उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनके वाइल्ड लाइफ को ही इस तरह से मॉडिफाई किया जाए या प्रोटेक्ट किया जाए कि वो वहीं पे सुखी संपन्न रह सकें। जबकि एक्स सिचू क्या होता है, उनको उनके वाइल्ड लाइफ से बाहर निकालते हैं और ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ उनको सुरक्षित रखा जा सके, जैसे जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं, बोटैनिकल गार्डन्स होते हैं प्लांट्स के लिए, जीन बैंक्स होते हैं उनके जीन प्रिजर्व करने के लिए, और इसके अलावा मेथड्स होते हैं इसके क्रायो प्रिजर्वेशन प्लांट्स और एनिमल जीन्स का कर सकते हैं, या उनके सेल्स का भी कर सकते हैं, एनिमल सेल्स का भी कर सकते हैं। तो अब जो इन सिचू कंजर्वेशन है वो यहाँ पे हम देख रहे हैं, उसमें क्या क्या आता है, उसमें आता है नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायो रिजर्व एंड सेक्रेड ग्रोव्स। तो हमें जो यहाँ पे पढ़ना है, जो लिस्ट पढ़ना है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो है नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायो रिजर्व से। तो अब अपन देखते हैं कि वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट के कंजर्वेशन में एक्चुअली होता क्या है, बायो रिजर्व्स क्या होते हैं, नेशनल पार्क क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं। तो फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ को एनिमल या प्लांट, फ्लोरा या फाउना, इनको प्रिजर्व करने के तीन जगहें हैं। पहला है बायोस्फीयर, दूसरा है नेशनल पार्क और तीसरा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो बायो रिजर्व क्या होते हैं, लार्ज एरियाज होते हैं जो लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड होते हैं, जहाँ पे अपन क्या कहते हैं, फ्लोरा एंड फाउना को कंजर्व रखते हैं उनके ट्रेडिशनल लाइफ फॉर्म में, उनके हैबिटेट में। ओके, यहाँ पे कुछ ट्राइबल्स भी रहते हैं, आदिवासी लोग भी वहाँ पे रहते हैं उन बायोस्फीयर रिजर्व्स में। अब इन बायोस्फीयर रिजर्व में दो और कैटेगरी आती हैं जो बायो रिजर्व्स के अंदर ही होती हैं, इनमें आते हैं नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ये क्या होते हैं, ये एरिया रिजर्व होते हैं वाइल्ड लाइफ के लिए, जो नेशनल पार्क्स होते हैं वो वाइल्ड लाइफ के लिए होते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ जो है फ्रीली घूम सकते हैं, हैबिटेट उनका फ्री हैबिटेट होता है, नेचुरल हैबिटेट होता है, वो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे, वाइल्ड जो भी एनिमल्स होते हैं उनका
अपना वो अगर ग्रास खाना चाहे ग्रास खा सकते हैं, एनिमल्स खाना चाहे, उनके लिए क्या होता है अगर वहाँ पे शेर रखे गए हैं, लायंस रखे गए हैं, लेपर्ड्स रखे गए हैं, तो उनको उनका उनके पसंद का खाना दिया जाता है, उनको वहाँ पे मीट प्रोवाइड कराई जाती है, और ये नेचुरल रिसोर्सेज उनको वहाँ पे मिलते हैं, वहाँ रहने के लिए उनको जैसा चाहिए वैसी जगह जो है नेशनल पार्क में मिलती हैं। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, इनमें क्या होते हैं यहाँ एनिमल प्रोटेक्टेड होते हैं, यहाँ पे कोई उनका जो है शिकार नहीं कर सकता, कोई उनको कैच नहीं कर सकता, कोई उनको हंट नहीं कर सकता, ये होती है। तो बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का अगर मैप देखें तो ये क्या होता है, सपोज़ ये पूरा एरिया जो है, ये जो लाइट ग्रीन एरिया है वो है बायोस्फीयर रिजर्व, ये होता है सबसे बड़ा एरिया जो अपने अंदर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों को कंटेन करता है। अब एक बायोस्फीयर में दो तीन कई सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकते हैं, एक बायोस्फीयर रिजर्व में कई सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो सकती हैं। अब नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं या फिर किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ही नेशनल पार्क भी हो सकते हैं। तो ये तरह इस तरह से इनका कुछ अरेंजमेंट होता है बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का। अब देखते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या क्या है। तो ये होता है इसका कोर जोन, कोर जोन में हमारे फ्लोरा एंड फाउना एग्जिस्ट करते हैं, हमारे जितने एनिमल्स होंगे, प्लांट्स होंगे, डाइवर्स ऑफ एनिमल, डाइवर्स ऑफ प्लांट्स जो होंगे वो यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, जिनको हमें कंजर्व करना होगा। उसके बाद आता है ये बफर जोन, बफर जोन जिसमें ट्राइबल्स एग्जिस्ट करते हैं। फिर इसके बाद जो तीसरा जोन होता है वो होता है ट्रांजिशन जोन। अब इस ट्रांजिशन जोन में ह्यूमन सेटलमेंट, रिसर्च सेंटर, मॉनिटरिंग सेंटर्स, एजुकेशन सेंटर्स और टूरिज्म सेंटर होगा। मतलब कि बायोस्फीयर रिजर्व में जहाँ भी हम टूरिज्म कर पाते हैं, जहाँ टूरिज्म पॉसिबल होता है, वो होता है ट्रांजिशन जोन। अब हमारा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ कहाँ है तो देखते हैं हम। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर जो है वो है हिमाचल प्रदेश में। फिर नंदा देवी, नंदा देवी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है उत्तराखंड में। फिर रन ऑफ कच्छ का है जो वो गुजरात में है। पंचमढ़ी पन्ना, पंचमढ़ी का जो है वो कहाँ है, पन्ना मध्य प्रदेश में है। इसके बाद अचन कमर अमरकंटक जो है वो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा नीलगिरी का बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कर्नाटक में है। अगस्त्यमाला जो है वो तमिलनाडु और केरल के बायो रिजर्व हैं। ये सारे बायो रिजर्व जो मैं अभी मेंशन कर रही हूँ वो यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में हैं। इसके अलावा भी बायो रिजर्व हैं जो डिस्कस कर लिए जाएंगे। इसके अलावा कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है, मानस, डिब्रू एंड सिकोवा ये असम में है। इसके बाद देहांग देबांग है वो अरुणाचल प्रदेश का है। नोकरेक जो है वो मेघालय, सुंदरबन जो मोस्ट फेमस सुंदरबंस है वो वेस्ट बंगाल में है। फिर सिमलीपाल उड़ीसा के लिए है। शेषाचलम जो है आंध्र प्रदेश, गल्फ ऑफ मन्नार जो है तमिलनाडु के लिए, और ग्रेट निकोबार जो है अंडमान एंड निकोबार का है। अब इसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं क्या होते हैं तो हमने पहले ही देख लिया कि लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड होते हैं फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी हम जानते हैं प्लांट और एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वैरायटी होती है, बायोडाइवर्सिटी यही होती है। अब बायोस्फीयर रिजर्व का एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, पंचमढ़ी बायो रिजर्व। अब इस पंचमढ़ी बायो रिजर्व में दो चीज़ें हैं, दो नेशनल पार्क हैं, एक नेशनल पार्क है, कौन सा, सतपुरा नेशनल पार्क, और दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। कौन कौन से, एक बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक बायोस्फीयर रिजर्व है, क्या है, पंचमढ़ी, उसमें एक नेशनल पार्क है, कौन सा, सतपुरा, और दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कौन सी, बोरी और पंचमढ़ी। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व और कौन कौन से हैं। शुरू में ही हमने मैप में देख लिया था जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अकॉर्डिंग मैप थी,
उसमें हमने कई सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स को देखा था। अब देखते हैं एक एक करके कि कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं और उनका एरिया क्या क्या है, कितने पार्ट्स वो किस स्टेट में इंक्लूड करते हैं। तो पहला है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ये कहाँ है? ये है तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल का एरिया जो है ये अपने आप में रखता है। ये पूरा बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला के पार्ट्स को शेयर करता है। इसमें क्या क्या आते हैं? वेस्टर्न घाट्स की एरिया आता है और नीलगिरी के हिल्स आते हैं। वेस्टर्न घाट एरिया और नीलगिरी के हिल्स जो हैं वो आते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के कैटेगरी में, के एरिया में, प्रोटेक्टेड एरिया में। इसके बाद है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो उत्तराखंड में है, तो उत्तराखंड में है। और इसमें क्या क्या है? नंदा देवी नेशनल पार्क आता है इस बायोस्फीयर रिजर्व में। नंदा देवी नेशनल पार्क आता है। और दूसरा पार्क कौन सा आता है? वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, दो जी चीज़ें जो हैं वो इसमें आती हैं। इसके बाद है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सुंदरबन। ये वेस्ट बंगाल में है। इसने क्या कंप्राइज किया हुआ है? सुंदरबन डेल्टा और लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो सुंदरबन किस लिए जाना जाता है? लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है, सुंदरबन डेल्टा के लिए जाना जाता है। इसके बाद आता है गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, ये है तमिलनाडु में और ये कंसिस्ट करता है गल्फ ऑफ मन्नार और उसके एसोसिएटेड कोस्टल एरियाज को। इसके बाद है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, ये आता है मेघालय में। इसने मेघालय के एरियाज को रिजर्व कर रखा है और ये नोकरेक पीक के एरियाज में मिलता है। फिर पंचमढ़ी बायो रिजर्व, जिसकी बात हमने इसके पहले भी की थी, ये सतपुरा रेंज को कंसिस्ट करता है मध्य प्रदेश में। फिर है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, ये जो है वो है उड़ीसा में और इसमें है सिमलीपाल नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, दो चीज़ें हैं इसमें। क्या? सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है और दूसरा टाइगर रिजर्व। इसके बाद है अचन कमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, ये इसमें आते हैं दो एरिया, दो स्टेट्स आते हैं, पहले है छत्तीसगढ़, दूसरा है मध्य प्रदेश। और ये कहाँ फैला हुआ है? ये फैला हुआ है माइकल हिल्स के आसपास। कहाँ? माइकल हिल्स के आसपास। इसके बाद आता है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पास और ये कंसिस्ट करता है सदर्न पार्ट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड। इसके बाद है अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि केरला और तमिलनाडु के पार्ट्स में है। केरला और तमिलनाडु मिलके शेयर करते हैं इसको। और इसमें है अगस्त्य मलाई हिल्स, ये कहाँ पे है? अगस्त्य मलाई हिल्स को ये कंसिस्ट करता है। फिर कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व है। कच्छ कहाँ है? नाम से ही मालूम है, गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है, तो गुजरात में है। तो ये कंसिस्ट करता है किसके पार्ट को? रन ऑफ कच्छ के पार्ट को कंसिस्ट करता है। इसके बाद है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि सिक्किम में है और ये कंचनजंगा नेशनल पार्क को, कंचनजंगा नेशनल पार्क को कंसिस्ट करता है अपने में। फिर इसके बाद है नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ है? नाल सेंचुरी बर्ड सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी गुजरात में है। ये नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी गुजरात में है, ये भी क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व है। इसके बाद है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। पन्ना जो है वो मध्य प्रदेश में है, तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में है। ये कंसिस्ट करता है पन्ना नेशनल पार्क को। इसके बाद शेषलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि शेषलम आंध्र प्रदेश का है और अपने में इंक्लूड करता है शेषलम हिल्स को। उसके बाद आती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में अब बात करेंगे। बायो रिजर्व का जो मामला था वो हो गया फिनिश, अब बात करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होती हैं वो एरिया होती हैं वेयर एनिमल आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्टर्बेंस, किसी भी आउटर वर्ल्ड डिस्टर्बेंस से प्रोटेक्टेड होते हैं। कोई उनको किल नहीं कर सकता, कोई उनको कैप्चर नहीं कर सकता और वो अपने ही हैबिटेट में रहते हैं, अपने ही जंगलों में रहते हैं। अब किलिंग एंड कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स जो है यहाँ पे प्रोहिबिटेड है। किलिंग और कैप्चरिंग हम यहाँ पे एनिमल्स की नहीं कर सकते।
तो इसका एग्जांपल है रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ जो है वो गुजरात में है और ये जाना जाता है, इसको और भी क्या बोला जाता है, इंडियन वाइल्ड एश सेंचुरी। यहाँ पे जंगली गधे मिलते हैं, सबसे ज़्यादा जंगली गधे यहाँ पे मिलते हैं, जो इंडियन वाइल्ड एश की का जो टाइप होता है, प्रजाति होता है, सबसे ज़्यादा रन ऑफ कच्छ में मिलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इंडियन वाइल्ड एश सेंचुरी। और ये एक लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इंडिया की लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो है रन ऑफ कच्छ। अब अगर पूछा जाए कि सबसे पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा है, सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है, तो उसमें नाम आएगा मानस नेशनल पार्क या मानस लाइफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि कहाँ है, असम में है। मानस नेशनल पार्क या मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, असम में है। तो जो दो चीज़ें हो गई, लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो रन ऑफ कच्छ गुजरात में है, रन ऑफ कच्छ गुजरात में है, और इसको और क्या बोला जाता है, इंडियन वाइल्ड एश सेंचुरी, इंडियन वाइल्ड एश सेंचुरी बोला जाता है, और ये लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो इंडिया में ये है। ओके, अब दो चीज़ें हो गई, पहला कौन सा था, पहला सबसे पहला नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मानस, मानस कहाँ है, असम में है। तो दो चीज़ें ये आपको याद रखनी है। अब एक एक करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की लिस्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी दिखा रहे हैं हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो कहाँ होंगे, अंडमान आइलैंड में है। कहाँ पे हैं, अंडमान आइलैंड में है। अब इसमें नाम याद रखना है आपको, एरियल बैम्बू बैरन बैले बैनेट। क्या, एरियल बैम्बू बैरन बैले बैनेट, समझा। उसके बाद सारे में आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एरियल बैम्बू बैरल बैने बैनेट, ये अंडमान आइलैंड में है। इनमें जनरली जो भी है, निकोबार पीजन, अंडमान वाटर मॉनिटर लिजर्ड, निकोबार पीजन, अंडमान वाटर मॉनिटर लिजर्ड, फिर उसके बाद ग्रीन सी टर्टल, हॉक्सबिल टर्टल, यहाँ भी वही है, मैराइन टर्टल, हॉक्सबिल टर्टल, अंडमान क्रैक, अंडमान क्रैक, ये भी यहाँ पे कॉमन मिलेगा आपको। तो ये लगभग इनमें जो एनिमल्स हैं, ग्रीन सी टर्टल, हॉक्सबिल टर्टल, ये सब इसमें कॉमन मिलेगा। अंडमान की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनमें एनिमल्स कॉमन मिलेंगे। तो अगर आप इनमें से कोई भी एक लिस्ट याद रख लेते हैं तो आपका ये काम हो जाएगा। बैरन वाला जो है उसमें बैट्स हैं, फ्लाइंग फॉक्सेस हैं एंड रैट्स हैं। तो इस तरह से आप अंडमान आइलैंड के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज याद रखोगे। यहाँ पे जो है वो आंध्र प्रदेश का है और एक अंडमान आइलैंड का है। अंडमान आइलैंड का जो है उसको हम बोलेंगे मैंग्रोव। क्या, मैंग्रोव आइलैंड सेंचुरी है। यहाँ पे भी वही सेम एनिमल्स हैं, निकोबार पीजन, अंडमान वाटर मॉनिटर लीजर, ग्रीन सी टर्टल, हॉक्सबी टर्टल, वाइट हेडेड स्टारलिंग, सेम वही चीज़ें आप देखो, जो एनिमल्स यहाँ कंजर्व किए गए हैं वही एनिमल मैंग्रोव में भी किए गए हैं। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, एरियल बैम्बू बैरल बैले बैनेट एंड मैनग्रोव। तो ये अंडमान के सारे आपको याद हो जाएंगे। ए बी, बी कितने, एक दो तीन चार, ए बी फोर एम, ए बी फोर एम, इतना याद रखना है। तो उससे हो जाएगा एरियल बैम्बू बैरन बैनेट एंड बैले, और हो जाएगा मैनग्रोव। तो इतने जो हैं आपको याद हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड गुंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अगर और देखें तो आंध्र प्रदेश में है कृष्णा, कौंडिन्या, कंबा, कंबलकोंडा, और देखें तो है राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, इतनी सारी जो है वो आंध्र प्रदेश में है। तो आपको याद रखना है कोरिंगा गुंडला, ये सारी एक साथ लिख लो ना कि कोरिंगा गुंडला ये, बाकी एनिमल्स जो है वो प्रोटेक्टेड सेम मिलेंगे आपको। जहां तक मैंने देखा ऑलमोस्ट सिमिलर एनिमल जो है वो इनमें कॉमन मिल जाएंगे। कोरिंगा गुंडला हो गया, फिर कंबलकोंडा, कौंडिया, कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब जो कोरिंगा है उसमें क्या क्या, ये आंध्र प्रदेश में है, क्या क्या है उसमें, जैकॉल, फिशिंग कैट, स्मूथ कोटेड ऑटर, वाइट बैग
वल्चर, लॉन्ग बिल वल्चर, पेंटेड स्ट्रोक, ओरिएंटल वाइट आइबिस, किंगफिशर, स्पॉन्ड हेरॉन, रीफ हेरॉन, ग्रे हेरॉन, नाइट हेरॉन, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे पाई जाती हैं। ये आपको याद रखना हो तो याद रख सकते हो, या कुछ स्पेसिफिक नाम आप पी वाई क्यूज में उठा के देख सकते हो कि पी वाई क्यूज में कौन कौन से पूछे गए, उसके हिसाब से भी याद कर सकते हो। इसके बाद कंबल कोंडा है, यहाँ पे बार्किंग डियर, माउस, यहाँ जनरली जो प्रिजर्व किए गए हैं वो डियर हैं, स्पॉटेड डियर और इंडियन पाइथन, रेड स्नैक, इंडियन कोबरा, एशियन वाइन स्नैक, तो यहाँ पे जो प्रिजर्व किए गए हैं वो डियर हैं, रैट हैं और है स्नेक। तो कंबल कोंडा आपको ऐसे याद रखना है। फिर कोंडिया है, कोंडिया कहाँ है, चितूर में है, चितूर आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पे क्या कंजर्व किए गए हैं, एशियन एलिफेंट्स, बियर, लेपर्ड, डियर, एंटेलोप, सैम्बर, पॉकोपाइन, बोअर, जैकॉल, टॉर्टोइज, स्लेंडर लॉरिस, तो इस तरह के कोबरा, पाइथॉन्स, रेड स्नैक, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कोंडिया चितूर आंध्र प्रदेश में प्रिजर्व किए गए हैं। फिर कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ है, गुंटूर में है, गुंटूर आंध्र प्रदेश। यहाँ क्या क्या प्रिजर्व किया गया है, फिशिंग कैट, स्पॉटेड डियर, सांबर, ब्लैक बग, स्ट्रिप्ड हाइना, जंगल कैट, इंडियन फॉक्स, स्लॉथ बियर, पाइथन, कॉमन कोबरा, कॉमन सैंडबो, रसल स्वाइपर, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे प्रिजर्व की कंजर्व की गई हैं। ऐसे ही अगर राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखें तो ये भी कहाँ है, ये भी गुंटूर में है, गुंटूर में है, महबूब नगर है, पराक्रम, नालकोंडा एंड कुरनौल एरियाज में जो है वो इतने सारे एरियाज में राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फैला हुआ है, और जो कि सारे आते हैं आंध्र प्रदेश में। अब यहाँ पे क्या क्या प्रिजर्व है, टाइगर, लेपर्ड, स्लॉथ बियर, वाइल्ड डॉग, पंगोलिंस, स्पॉटेड डियर, सांबर, माउस डियर, ब्लैक बग, चिंकारा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है, क्रोकोडाइल, पाइथन, कोबरा, ये सारी चीज़ें जो हैं राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्रिजर्व की गई हैं। इसके बाद डिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टार्ट जो होता है वो होता है अरुणाचल प्रदेश, डिबांग, ईटानगर, ईटानगर भी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है, तो डिबांग और ईटानगर अरुणाचल प्रदेश के लिए है। इसमें क्या है, रेड गोरल, मिशिमी ताकिन, मुश्क डियर, मस्क डियर, रेड पांडा, एशियाटिक ब्लैक बियर, टाइगर, वाइट रम वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर, बंगाल फ्लोरिकन, ये सारी चीज़ें, इतने सारी चीज़ें जो हैं आपको याद करनी पड़ेंगी कि ये यहाँ पे पाए जाते हैं, क्योंकि लिस्ट में हमेशा पूछ लेते हैं कि ये एनिमल कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या कौन से नेशनल पार्क में प्रिजर्व है, तो ये आपको याद करना है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में और क्या क्या है, कमला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सेशा ऑर्किड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बरेला झीली, सलीम अली। अब अरुणाचल प्रदेश का ख़त्म हो गया, अब ऐसा कर सकते हो, अब आप कि अरुणाचल प्रदेश के लिए लिख सकते हो कि दिबांग, ईटानगर, कमला, शेषा, दिबांग, ईटानगर, कमला, शेषा, ये जो हैं अरुणाचल प्रदेश के हैं, और यहाँ पे एनिमल्स कॉमन ढूंढ लेना कि कौन कौन से एनिमल कॉमन है, तो उनको याद रख लेना। इसके बाद है बरेला झीली, सलीम अली बर्ड्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सलीम अली का नाम बर्ड से ही एसोसिएटेड है, तो अपन इसको सुनते ही समझ सकते हैं कि बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बर्ड प्रिजर्व, बर्ड कंजर्व किए गए हैं, और ये है बरेला विलेज बिहार में, बरेला विलेज बिहार में है। यहाँ रेड कोरल डव, एशियन कोयल, ग्रीन बी ईटर, ब्राह्मणी स्टारलिंग, इंडियन टी पाई, ब्लैक आईबिश, ये सारी चीज़ें जो हैं, विशलिंग डग, ये जो हैं प्रिजर्व कंजर्व की गई हैं। अब है बिहार में और कौन सा है, पहला तो सलीम अली बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, दूसरा हो गया राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो आप इसको लिख सकते हो एक जगह, क्या लिख सकते हो, बरेला झील सलीम अली बर्ड, बरेला झील, राजगीर, वाल्मीकि, उदयपुर, ये सारी एक जगह हो गई, और ये सब कहाँ है, बिहार में है, ये सारी जो है वो है बिहार में।
उदयपुर, वाल्मीकि, राजगीर और वो हो गया आपका सलीम अली, बरेला झील। अब इनमें क्या क्या प्रिजर्व है? टाइगर, एशियन एलिफेंट, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, पेंटेड स्पर्फाउन, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे टाइगर, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, स्पॉटेड डियर, सांबर, बार्किंग डियर, वाइल्ड बॉय, ये चीज़ें हैं जो यहाँ पे प्रिजर्व हैं। यहाँ पाइथन, किंग कोबरा, एमराल्ड, ये क्रोकोडाइल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे कंजर्व की गई हैं। इसके बाद इसी लिस्ट में और आगे बढ़ेंगे तो चंडीगढ़ की देख सकते हैं। चंडीगढ़ में दो हैं जो फेमस हैं, पहला बर्ड के लिए है सिटी बर्ड्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और दूसरा जो मोस्ट फेमस है वो है सुखना लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सुखना लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों हैं चंडीगढ़ में। और यहाँ पे जो सिटी बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ रोज रिंग पैराकीट, प्लम हेडेड पैराकीट और अलेक्जेंड्राइन पैराकीट हैं। तो यहाँ पे जो प्रिजर्व किए गए हैं वो पैराकीट्स हैं। इसके बाद सुखना लेक वाला जो है, सुखना लेक में लेपर्ड, सांबर, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड बियर, जैकॉल, ग्रे लैंगूर, रीसस मैंकी, इंडियन हैरे, ग्रे मैंगूज, ये सारी चीज़ें, पाइथन, बटरफ्लाइज, मॉथ्स जो हैं वो सुखना लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है। फिर अचन कमर वाइल्ड लाइफ, अचन कमर जो है वो छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में अब यहाँ पे क्या क्या रखा गया है? टाइगर, लेपर्ड, गौर, स्पॉटेड बियर, डियर, स्ट्राइप्ड हाइना, इंडियन जैकॉल, स्लॉथ बियर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अचन कमर छत्तीसगढ़ में रखी गई हैं। फिर सारंगगढ़ गोमारदा ये भी जो है वो छत्तीसगढ़ में है। यहाँ भी टाइगर, लेपर्ड, सांबर, स्पॉटेड डियर, स्लॉथ बियर, वाइल्ड बियर, एशियन पैराडाइज, ये सब जो हैं कॉमन एनिमल्स हैं जो इनमें रखे गए हैं। अब इसके बाद दिल्ली की बारी आती है। दिल्ली में क्या है? दिल्ली में है असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दिल्ली में, जिसको अब बोला जाता है इंदिरा प्रियदर्शनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसमें क्या क्या है? ब्लू बुल, जैकॉल, ने ब्लैक नेप्ड हेयर, जंगल कैट, पॉकोपाइंस, ग्रे हेडेड फिश है, ब्लैक फ्रेंकोलिन है, रेड हेडेड वल्चर है, इजिप्टियन वल्चर है। तो जनरली जो है यहाँ पे वल्चर्स हैं, ब्लूबुल हैं, जैकॉल हैं, मॉनिटर है। इसके बाद भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो गोवा में है। अब ये दो गोवा में मिलेंगे आपको, भगवान और डॉक्टर सलीम अली बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब एक सलीम अली के नाम पे जो बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो दो जगह है। पहला हमने बरेला बिहार में देखा था, तो वहाँ बरेला लिखा हुआ है, बरेला लेक करके ऐसा कुछ लिखा हुआ है, बरेला झील, यस, बरेला झील सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और यहाँ पे क्या डिफरेंस है? यहाँ डॉक्टर सलीम अली बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो एक गोवा में है और एक बिहार में है, आपको याद रखना होगा कि उसमें बरेला लगा हुआ है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सीधे डॉक्टर सलीम अली बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम लिया गया है। तो अब इसमें क्या है? मट्स कीपर्स हैं, क्रैब्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, फ्लाइंग फॉक्सेस हैं, जैकॉल्स, किंगफिशर, ईगल्स, कॉर्मोरेंट्स, काइट्स, वुड पिकर्स, सैंड पाइपर्स, कर्ल्यूज, ड्रॉन्गम्स, पिनटेल डक्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो गोवा के इस सलीम अली बर्ड लाइफ सेंचुरी में है। फिर बालाराम अंबाजी, ये गुजरात में है। बालाराम अंबाजी और गिर, ये दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हैं वो गुजरात में है। इसमें लेपर्ड, वॉल्फ, जैकल, ब्लूबुल, रेशस मैकी, ग्रे लंगूर, ये सारी चीज़ें हैं। और गिर वाले में क्या है? गिर वाले में एशियाटिक लायंस हैं, लेपर्ड्स हैं, मॉनिटर लिजर्ड्स हैं, टॉर्टॉइज हैं। जनरली आपको अगर याद रखने हैं तो मेरे हिसाब से आपको याद रखना चाहिए एशियाटिक लायंस के लिए, लेपर्ड्स के लिए, टाइगर्स के लिए, इंडियन जो टाइगर्स हैं उनके लिए, हॉक्सबिल टर्टल के लिए, टॉर्टॉइज के लिए, ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हो जो मोस्ट कॉमन पूछे जाते हैं। अब इसके अलावा वेस्ट बंगाल में कुछ हैं, वेस्ट बंगाल की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, उनको हम देखेंगे कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे आते हैं सुंदरवन, जल्दापारा, बक्सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चापामारी, बक्सा, रायगंज, हल्लीदाय और रामा बगन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इतनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, जिनमें सुंदरवन वाला जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है और ये फेमस है अपने मैंग्रोव फॉरेस्ट और बंगाल टाइगर के लिए। तो ये आपको याद रखना है, ये फेमस है मैंग्रोव फॉरेस्ट और बंगाल टाइगर्स के लिए। इसके बाद
जल्दा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो फेमस है इंडियन वन हॉर्न राइनोसॉर्स के लिए, काय के लिए, राइनोसॉर्स के लिए। इसके बाद बक्सा है, बक्सा जो है वो अलीपुर अलीपुर द्वार डिस्ट्रिक्ट में है, बंगाल के अलीपुर द्वार डिस्ट्रिक्ट में है और इसके पास डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना है। फिर चापामारी है, चापामारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो गोरू मारा नेशनल पार्क के पास है, मतलब गोरू मारा नेशनल पार्क जो है वो चापामारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर है। अब बक्सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बक्सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो जलपाईगुड़ी में है। कहाँ है? जलपाईगुड़ी में है और ये जाना जाता है डाइवर्स एवियन पॉपुलेशन के लिए। रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में है और ये अपनी बर्ड लाइफ के लिए जाना जाता है। ऐसे ही हालिदय है, हालिदय आइसलैंड है, ये हुगली डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ है? हुगली डिस्ट्रिक्ट में है और ये भी एवियन पॉपुलेशन के लिए जाना जाता है। इसके बाद है रामना बागन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि वृंदावन डिस्ट्रिक्ट में है बंगाल के और ये अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है। अब बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं। उत्तर प्रदेश में है दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसके अंदर ही दुधवा नेशनल पार्क है। इसके बाद है किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बाकी हीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जो है उत्तर प्रदेश के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो सतपुरा टाइगर रिजर्व है, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो सिंबलवाड़ा, काला तोप खज्जर, चूरधर सेंचुरी एंड दरन घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जो हैं ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के हो गए। अब इसके बाद नेशनल पार्क्स की बारी आती है कि नेशनल पार्क कौन कौन से कहाँ कहाँ पे हैं। तो उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है जो कि लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में है, लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में है। फिर नवाबगंज बर्ड सेंचुरी है, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी जो है वो उन्नाव में है। इसके बाद बिहार की बात करें तो वाल्मीकि, वाल्मीकि का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी था तो वाल्मीकि का यहाँ पे नेशनल पार्क भी है जो कि वेस्ट चंपारण में है। इसके बाद मध्य प्रदेश में है कान्हा नेशनल पार्क जो बालाघाट में है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है उमरिया में है, सतपुरा होशंगाबाद में है और पेंच नेशनल पार्क जो सिवनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट्स में है। इसके बाद पन्ना नेशनल पार्क जो कि पन्ना और छतरपुर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हम बंगाल के नेशनल पार्क के बारे में बात करेंगे तो बंगाल में जो नेशनल पार्क है वो सुंदरवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आएंगे। पहला तो सुंदरवन नेशनल पार्क है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है। सुंदरवन के बारे में पहले ही हमने जाना था कि जाना जाता है अपने लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए, इसके अलावा जाना जाता है अपने बंगाल टाइगर्स के लिए और ये फैला हुआ है इंडिया से बांग्लादेश तक। बक्सा टाइगर रिजर्व, ये है बक्सा हिल्स पे और नदन कहाँ पे, उत्तरी वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। और इसके बाद इसके पास है डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना जिसमें क्या क्या आते हैं, टाइगर आता है, एलिफेंट आता है और भी डियर के बहुत सारी स्पीसीज जो हैं वो बक्सा टाइगर रिजर्व में आती हैं। अब जल्दा पारा नेशनल पार्क है, ये कहाँ है, ईस्टर्न हिमालयस पे है जल्दा पारा। ये इसमें यहाँ पे क्या क्या पाए जाते हैं, एलिफेंट पाया जाता है, लेपर्ड पाया जाता है, एलिफेंट लेपर्ड और बहुत सारे बर्ड स्पीसीज। इसके बाद है गोरुमारा, ये भी बंगाल का है। गोरुमारा में को इंडियन राइनोसॉर्स के लिए जानते हैं, इंडियन राइनोसॉर्स एलिफेंट्स और भी बर्ड लाइफ्स के लिए गोरुमारा नेशनल पार्क को जाना जाता है। इसके बाद है न्योरा वैली नेशनल पार्क, ये कलिमपोंग डिस्ट्रिक्ट में है और यहाँ पे क्या क्या है, रेड पांडा है, हिमालयन तार है और फेजेंट्स हैं, वेरियस स्पीसीज ऑफ फेजेंट्स हैं। इसके बाद सिंगालीला नेशनल पार्क है। सिंगालीला नेशनल पार्क जो है वो इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे है, इंडिया नेपाल के बॉर्डर पे है और ये अपने स्टनिंग व्यूज ऑफ हिमालय के लिए
जाना जाता है। इसके बाद है, अगर हम बात करेंगे तो गुजरात के नेशनल पार्क्स के बारे में बात करेंगे। गुजरात में कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं? पहला है ब्लैक बग नेशनल पार्क। ब्लैक बग नेशनल पार्क जो कि जाना जाता है अपने ब्लैक बग कंजर्वेशन के लिए, एंटीलोप स्पीसीज के सॉरी कंजर्वेशन ऑफ ब्लैक बग के लिए। फिर इसके बाद है मरीन नेशनल पार्क, जो कि कहाँ है? जामनगर में है, गल्फ ऑफ कच्छ जामनगर में है। और क्योंकि नाम में ही मैरीन नेशनल पार्क है तो ये किसके लिए? रिच मैरीन बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। यहाँ पे क्या होंगे? कोरल रीफ्स, मैंग्रोव्स, मैरीन लाइफ डाइवर्सिटी यहाँ पे होगी। फिर वंसदा, वंसदा नेशनल पार्क है जो कि नवसारी डिस्ट्रिक्ट गुजरात में ही है, और यहाँ पे लेपर्ड्स हैं और बहुत सारी स्पीशीज हैं डियर की। अब अगर हम बात छत्तीसगढ़ की करें तो यहाँ है इंद्रावती नेशनल पार्क और है कांगर वैली नेशनल पार्क। तो जो इंद्रावती नेशनल पार्क है वो जाना जाता है टाइगर रिजर्व के लिए, और जो कांगर वैली नेशनल पार्क है उसको जाना वो है बस्तर में, बस्तर में है और उसके पास यूनिक बायोडाइवर्सिटी है बहुत सारे फ्लोरा एंड फौना के लिए उसको जाना जाता है। अब बात करेंगे हम राजस्थान की कि राजस्थान में क्या क्या है। तो राजस्थान के नेशनल पार्क हुए रणथंबोर, रणथंबोर, सरिस्का, कालादेव और मुकुंद्रा। रणथंबोर, सरिस्का, कालादेव और मुकुंद्रा नेशनल पार्क की। तो रणथंबोर जो है वो बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है, और रणथंबोर नॉर्दर्न इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, नॉर्दर्न इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। इसके बाद है सरिस्का नेशनल पार्क, ये अलवर डिस्ट्रिक्ट में है और ये जाना जाता है बंगाल टाइगर के लिए। इसके बाद है कोलादेव नेशनल पार्क, ये भरतपुर बर्ड सेंचुरी के अंदर आता है कोलादेव नेशनल पार्क, और ये साइट है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये फेमस है अपने एवियन डाइवर्सिटी के लिए, क्योंकि नाम में ही बर्ड सेंचुरी है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ? कालादेव नेशनल पार्क के अंदर, तो बर्ड सेंचुरी है तो एवियन डाइवर्सिटी के लिए जानी जाएगी। इसके बाद है मुकुंद्रा हिल्स, मुकुंद्रा हिल्स कोटा डिस्ट्रिक्ट में है, कोटा डिस्ट्रिक्ट में है और ये नेशनल पार्क अपने हिली टेरियन एंड डाइवर्स वाइल्ड लाइफ के लिए जानी जाती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे झारखंड की, तो झारखंड में दो हैं, कौन से? बेतला और दालमा, बेतला और दालमा। तो बेतला जो है वो फर्स्ट जो रिच डाइवर्सिटी के लिए जानी जाती है, और इसमें है टाइगर, एलिफेंट और डियर। इसके बाद है डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झारखंड में पॉपुलर है, क्यों? एलिफेंट पॉपुलेशन के लिए पॉपुलर है। अब महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में आता है संजय गांधी नेशनल पार्क, तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, चंदौली नेशनल पार्क, गूगामल नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क, ये सारे जो हो गए महाराष्ट्र में आते हैं। संजय गांधी जो है, संजय गांधी नेशनल पार्क मुंबई में है, तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व जो है वो चंद्रपुर में है, ये जाना जाता है बंगाल टाइगर्स के लिए। फिर चंदौली नेशनल पार्क जो है वो कोल्हापुर और सांगली डिस्ट्रिक्ट में शेयर होता है। गूगामल नेशनल पार्क जो है वो इंक्लूड करता है टाइगर, लेपर्ड और बहुत सारे बर्ड स्पीसीज को, और ये है अमरावती डिस्ट्रिक्ट में। और पेंच नेशनल पार्क जो है वो नागपुर और सिवनी डिस्ट्रिक्ट में शेयर होता है, और कुछ मध्य प्रदेश के स्टेट्स में शेयर होता है, और ये जाना जाता है अपने टाइगर रिजर्व्स के लिए। इसके बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड में मोस्ट फेमस नेशनल पार्क जो कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, ये है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, नैनीताल में है, और यहाँ पे बंगाल टाइगर्स और भी बहुत सारे फ्लोरा फौना जो हैं वो पाए जाते हैं। इसके बाद राजा जी नेशनल पार्क है जो कि हरिद्वार, देहरादून और गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में शेयर होता है, और यहाँ पे एलिफेंट, टाइगर और लेपर्ड है। इसके बाद गंगोत्री नेशनल पार्क है जो कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है और ये गंगोत्री ग्लेशियर को अपने में लिए हुए है, गंगेज रिवर्स का ओरिजिन यहाँ से होता है। इसके बाद नंदा देवी नेशनल पार्क है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है,
और यूनेस्को नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आता है। इसके बाद है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये भी वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट है और ये अपने एल्पाइन फ्लोरा के लिए जाना जाता है। अब कुछ साउथ इंडिया के नेशनल पार्क देखेंगे। इसमें है पेरियार, बंदीपुर, नागरहोल, मुदुमलाई, साइलेंट वैली, गल्फ ऑफ मन्नार और बैनरघट्टा और इराविकुलम नेशनल पार्क है। अब पेरियार नेशनल पार्क जो है इसमें आर्टिफिशियल लेक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। बंदीपुर नेशनल पार्क जो है वो टाइगर रिजर्व है। नागरहोल नेशनल पार्क जो है वो एलिफेंट टाइगर के लिए को कंजर्व करते हैं और ये कर्नाटक में है। मुदुमलाई नेशनल पार्क जो कि तमिलनाडु में है और ये एलिफेंट पॉपुलेशन के लिए जाना जाता है। ऐसे ही साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो कि केरला में है, ये अपने ट्रॉपिकल गेवर ग्रीन रेन फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है। फिर गल्फ ऑफ मन्नार है, गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन लाइफ के लिए जाना जाता है। फिर बैनरघट्टा नेशनल पार्क जो है वो अपने सफारी और कंजर्वेशन एफर्ट के लिए जाना जाता है। इराविकुलम नेशनल पार्क है, ये भी केरला में है। ये नीलगिरी तार ये एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है गोट की, माउंटेन गोट की, उसको कंजर्व करने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा अगर आपको और सारे नेशनल पार्क बायोडाइवर्सिटी सेंटर्स के बारे में जानना है कि कहाँ कहाँ नेशनल पार्क है, कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, क्योंकि ये कुछ फेमस और थोड़े से लिस्टेड जो बहुत फेमस हैं उनके लिस्ट हैं। इसके अलावा बहुत सारी लिस्ट हैं, 240 पेजेस की कम से कम हैं, जिनमें हर पेज पे एक ना एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क इन सब के बारे में बताए गए हैं। तो इसके लिए आप जा सकते हैं, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, उसमें ये लिंक मिल जाएगा आपको। इसमें क्या होगा, इस लिंक को जब आप क्लिक करोगे तो आप चले जाओगे tourism.government.in की साइट पे। यहाँ पे आपको एक पूरा पीडीएफ मिल जाएगा जिसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन है कि कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, कौन से नेशनल पार्क्स कहाँ पे हैं, कौन सा बायो रिजर्व कहाँ पे है और उनमें क्या क्या, कौन कौन से एनिमल कंजर्व किए गए हैं, कौन कौन से प्लांट कंजर्व किए गए हैं, उनकी पूरी डिटेल स्ट्रक्चर जो है वहाँ पे आपको मिल जाएगी अगर आप बहुत डिटेल में पढ़ना चाहें तो। उसके अलावा आज जो ये लिस्ट है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। इसके बाद से हम सेक्शन ई शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। सेक्शन ई में जनरली कॉमन डिजीजेस और जो कॉमन प्लांट्स हैं अपने वहाँ, डोमेस्टिक प्लांट, डोमेस्टिक क्रॉप्स, इन सब के बारे में बात होगा, पैथोजेंस के बारे में बात होगी। तो सेक्शन डी शुरू करें, सेक्शन ई शुरू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो से। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।